से सब आए, उन्होंने अदालत में पढ़कर एक लाइन का फैसला सुनाया कि जमानत दी जाती है। बेल हो चुकी, बेल ग्रांटेड टू सलमान खान, सलमान खान को जमानत मिल चुकी है। पूरा फैसला नहीं देखा है क्योंकि ऑर्डर 3 पेज का है। कोर्ट ने बाहर आकर जो ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा जाता है उसमें कहा बेल ग्रांटेड 50,000 का मुचलका और बॉन्ड और शॉर्टी एक है दो, आई डोंट नो। बड़े तौर पर आपने जो ग्राउंड रखे थे उसको माना कोर्ट ने, देखो कोर्ट ने माना होगा तभी बेल ग्रांट की है, ऐसा तो नहीं। तो अब वो सजा भी स्थगित हो गई? सजा स्थगित नहीं होती है, बेल ग्रांट होती है। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हैज बीन अलाउड। ओके, 389 आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे। बजे तक जेल में पहुंचना चाहिए ऑर्डर की आज ही रिहाई हो? सर ये बेसिकली मेरा ख्याल बिफोर 5 o'clock पहुंचना चाहिए। अभी हम बेल बॉन्ड भरवा देंगे और ही विल बी रिलीज। जेल तक के पूरा वारंट जाने में पूरा जो तामील कराया? कुछ नहीं, आधे पौन घंटे का प्रोसीजर अभी हो जाएगा, अभी हम पूरा कर देते हैं प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ से तहरीर निकल जाएगी, बेल बॉन्ड्स विल बी फाइल्ड एंड दैट विल ही विल बी रिलीज्ड। एक घंटे का वक्त बढ़ाया गया था बुरा साहब, उसके बाद जैसे ही जज आए कोर्टरूम में क्या कहा उन्होंने? कुछ उन्होंने दस्तखत किए पूरे ऑर्डर पर और कहा बेल ग्रांटेड। यस, ठीक है। फाइनली जो आपने ग्राउंड रखा था आखिरकार? डेफिनेटली द कोर्ट मस्ट हैव कन्विंस्ड दैट। आपने 3 ग्राउंड जो बड़े रखे थे सर बता दीजिए। सर आई हैव नॉट गॉन टू द जजमेंट सो आई डोंट से व्हाट दे से। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एप्लीकेशन हैज बीन अलाउड, ही हैज बीन एनलार्ज्ड ऑन बेल। ओके, बट इट हैज नॉट बीन सस्पेंडेड एज ऑफ नाउ द बेल द सर वी हैव ओनली मूव द बेल एप्लीकेशन, वी हैव मूव द ओनली सस्पेंड सेंटेंस बिकॉज वी हैव नॉट गॉन फॉर द हिस्ट्री ऑफ द कन्विक्शन, दैट वॉज नॉट अवर प्रेयर। देखिए महेश बोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ग्राउंड ये रखा गया था कि 20 साल से सलमान खान लगातार आ रहे हैं और यही ग्राउंड कहीं ना कहीं मजबूती बना। बोड़ा जी ये मान सकते हैं ना कि ये ग्राउंड एक सबसे बड़ी आपकी सफलता के लिए? डेफिनेटली, मैरिट्स पर भी गए होंगे, इस ग्राउंड पर भी गए होंगे। हमारा ये था कि इतने सालों से एक सजा कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो अपील में होगा देखा जाएगा। आज की तारीख के अंदर सस्पेंशन होना चाहिए जो उन्होंने। अभी कितना समय लगेगा यहाँ से प्रोसीडिंग के बाद जेल जाएंगे सलमान खान? One hour, I don't think it will take more than 1 hour. पूरा ऑर्डर आपने पढ़ा है? I have not. ठीक है, कुल मिलाकर ये महेश बोड़ा जी ने साफ कहा है कि जो उनका एक ग्राउंड बनाया गया था कि आखिरकार 20 साल का पूरा ट्रायल चला है, सलमान खान लगातार हर पेशी पर आते हैं, कोर्ट ने जब भी बुलाया है और इस ग्राउंड को सुना गया है, समझा गया है, यही वजह है कि पूरा टाइम लग रहा था डिसीजन देने में, फाइनली बेल ग्रांटेड है। महेश बोड़ा ने बताया कि जैसे ही वो कोर्ट रूम में पहुंचे वैसे ही जज ने एक ही बात कही कि बेल ग्रांटेड। पूरा ऑर्डर नहीं पड़ा है लेकिन 15 से 20 मिनट का समय लगभग लगेगा यहां से जब जेल में पूरी सूचना दी जाएगी और आधे से एक घंटे के अंदर के पूरे समय में सलमान खान जेल से रिहा होंगे। सलमान खान और सलमान खान के फैंस के लिए बहुत खुशी की खबर है। सबसे बड़ी बात यह कि जब कोर्ट रूम में अलवीरा, अर्पिता और उनके बॉडीगार्ड शेरा मौजूद थे और जिस समय यह फैसला सुनाया गया उनके चेहरे खुशी से खिल गए और फाइनली जो वो पूरी कोशिश कर रहे थे और जो उनके जो वकील हैं हस्तीमल सारस्वत और महेश बोड़ा, ये जिन ग्राउंडों पर उन्होंने बहस रखी, जो दलीलें दी, जो बातें कहीं, उसी आधार पर फैसला आया और फाइनली सलमान खान को राहत मिली है और इस मामले में बेल ग्रांट कर दी गई। बिल्कुल मनीष, बड़ी खबर है सलमान खान के लिए, बड़ी राहत उनके परिवार के लिए, बड़ी राहत। सलमान खान अब आज जेल से बाहर निकल पाएंगे, आजाद हो पाएंगे। सलमान खान जो कि 48 घंटे से इस वक्त जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं, तब तक हो सकता है उन तक ये खबर पहुंच भी गई और राहत और बड़ी खुशखबरी है उनके लिए कि उन्हें अब 50,000 के मुचलके पर जेल से आजादी मिलेगी। बेल बॉन्ड भरने में जैसा उनके वकील बता रहे थे बहुत वक्त नहीं लगेगा, बस कुछ और प्रक्रियाएं उनको पूरी करनी होंगी। मनीष झा हमारे साथ हैं, सारी दलीलें आखिरकार जो बचाव पक्ष की थी वो काम आई मनीष? जी हाँ बिल्कुल, देखिए जो बात हम लोग कह रहे थे कि सलमान के केस में मेरिट था और इसी वजह से सलमान को जमानत मिली है। सलमान को यहाँ पर जमानत मिलने के पीछे जो सलमान के वकील की तरफ से दलीलें दी गई थी कि 20 साल से ट्रायल चल रहा है, सलमान खान पिछले 20 साल से जमानत पर मौजूद थे और इतना ही नहीं बल्कि उनका कहना यह भी था कि अपील पेंडिंग है, अपील के निपटारे में समय लगेगा, तब तक जमानत दी जाए। ये सब वो तमाम ग्राउंड्स थे जिस पर कोर्ट ने कंसिडर किया और कोर्ट ने जहाँ सलमान की जो सजा के खिलाफ अपील उसको सुनवाई के लिए मंजूर कर ली, वहीं 5 साल की जो सजा है उसको निलंबित कर दिया है। यानी अब सलमान खान को न सिर्फ जमानत मिली है बल्कि अब उनकी अपील पर आगे सुनवाई होगी जिसमें समय लगेगा। फिलहाल सलमान आज की शाम तक सलाखों से बाहर हो जाएंगे। उसके लिए अभी फिलहाल जो सलमान खान की तरफ से जो
अब सलमान खान के वकील को आप देख रहे हैं कि जो चैम्बर की तरफ बढ़ रहे हैं, दरअसल सलमान खान के जो जमानती हैं उन जमानती को वहां पर पेश किया जाएगा, उनके कागज दिए जाएंगे, उनके आईडी प्रूफ दिए जाएंगे और जो जितने का मुचलका होगा उतने के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे और उसके बाद फिर सलमान खान को जमानत में सलमान खान की जमानत की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर यहाँ से कोर्ट एक अपना ऑर्डर निकालेगा जेल के लिए और जेल के लिए ऑर्डर निकलते ही फिर जेल से निकलने के बाद ही मुझे लगता है कि देर शाम तक सलमान खान आज जेल से बाहर होंगे। सौरभ जी हाँ बिल्कुल, और सलमान खान के फैंस के लिए बहुत खुशी की खबर है। ये देखिए जो लोग वहां पर सुबह से जो मौजूद थे, बल्कि पिछले तीन रोज से बहुत सारे इनमें बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी हैं सब लोग, और बहुत आहत थे सलमान खान की जेल जाने से, उन सबके लिए आज एक राहत की बात है और खुशी की खबर है। ऐसे बहुत सारे लोग अदालत के बाहर मौजूद हैं, देखिए हाथों में पोस्टर्स लेकर के वहां पहुंचे हुए थे सलमान खान के समर्थन में, और खुशी से आंखें छलक पड़ी कई लोगों की जब ये ऑर्डर निकला है बाहर कि सलमान खान को राहत और बेल मिल रही है। जितेंद्र शर्मा वहां पर है उनके साथ, सुबह से आपने देखा बहुत सारे फैंस थे, बड़ी अच्छी खबर है इन सब चाहने वालों के लिए सलमान खान के। जितेंद्र और एज 15 मैंने जाते थे सलमान खान जेल में, या बिल्कुल आप देख सकते हैं सेंट्रल जेल के ठीक सामने इस वक्त सलमान खान के फैंस की भारी तादाद देखी जा सकती है और सब काफी खुश है। कुछ लड़कियां यहां पर मौजूद है जो अब से कुछ देर पहले जैसे ही सलमान खान की जमानत सलमान खान की रिहाई की बात उन्हें पता चली उनके आंखों से आंसू निकल गए। नाम क्या आपका? मुस्कान। मुस्कान अब से थोड़ी देर पहले जैसी जमानत जैसी रिहाई की बात सामने आई आपकी आंखों में आंसू? क्योंकि मुझे नहीं पसंद था वो जेल, मेरे दिल में बस ये था कब उसको बेल मिले, कब बेल मिले, कब जैसे मिली मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मेरा अपना भी आंसू आ गया। दो दिन तक सलमान खान जेल के अंदर थे और आप लोग यहाँ चक्कर काट रहे थे जेल के बाहर, मैंने देखा था। यस, हम बार बार आते थे पर मिलने का ही नहीं था, ये पुलिस वाले अंकल ऐसे करते हैं देखो, मार मार के भगाते थे। फिर हम अभी अब आप लोग सलमान खान को देखने के लिए बहुत बेचैन है, मैं जरूर देख के जाऊंगी, जरूर देख के जाऊंगी, अगर मुझे सलमान की वजह से एक दो डंडे भी पड़ गए मुझे कोई गम नहीं है, मैं सलमान को देख के ही जाऊंगी एक बार आके वो हाथ हिला के सकते हैं। ये वो फैंस हैं सलमान के जो पिछले दो दिन से सेंट्रल जेल के बाहर इकट्ठा थे, लगातार इनकी यही कोशिश थी कि किसी तरीके से सलमान की एक झलक मिल जाए, हालांकि वो मुमकिन नहीं था, लेकिन जिस वक्त इन्हें इस बात की खबर मिली कि सलमान को जमानत मिल चुकी है उसके तुरंत बाद इन लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया सेंट्रल जेल के बाहर, और अब जल्दी सलमान की आज शाम तक उम्मीद है कुछ ही घंटों बाद सलमान खान जोधपुर किसी सेंट्रल जेल की चार दीवार से आपने तस्वीरें दिखाई बात की फैंस से जोधपुर जेल के बाहर जो लोग मौजूद हैं, हम जरा मुंबई का रुख करते हैं। सलमान खान के घर के बाहर पिछले तीन रोज से उनके फैंस लगातार वहां पहुंच रहे थे, अब जब वो ये खबर पहुंची है कि उनकी रिहाई आज मुमकिन हो जाएगी तो वहां क्या रिएक्शन है सुधीर? बिल्कुल सौरभ, आपको बता दो जैसे ही यहाँ प्रशंसकों को इस बात की जानकारी मिली कि उनको जमानत मिल गई है, सबसे पहले हम दूर में दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर पहले से ही उनके प्रशंसक ढोल नगाड़ों के साथ आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, और कुछ प्रशंसक ऐसे हैं जो गीत गाकर जिन्होंने सलमान को गीत लिखा, और जब से वो जेल में गए हैं लगातार गाना गा रहे हैं। आप अपना गीत बोले सलमान भाई, गाना आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री के बाप के लिए, खानों में खान शेर खान के लिए, पब्लिक की पसंद भाई जान के लिए, सलमान भाई गाना आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री के बाप के लिए, खानों में खान शेर खान के लिए, पब्लिक की पसंद भाई जान के लिए, मेरे भाई की खुराक बहुत खूखार है, भाई की फिल्म बहुत जोरदार है, टाइगर अभी जिंदा है 500 करोड़ पार है, सलमान भाई गाना आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री के बाप के लिए। सुधीर ये डेडिकेशन है सौरभ, इसके अलावा अगर आप देखें तो जी बताएं। हेलो सौरभ, आपको बताएं कि गैलेक्सी के बाहर पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए, आप देखें पुलिस की तीन गाड़ियां लगा दी गई है और दूसरी तरफ वज्र लगा दिया गया है, और जो प्रशंसक है उनको एक तरह से रोकने की कोशिश भी की जा रही है, यहां पर देखें बैरिकेड लगाया गया है और पुलिस के लोग हैं, वजह यह है कि दूसरी तरफ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और यहां पर अब जैसे ही उनके प्रशंसकों को इस बात की जानकारी मिल रही है कि सलमान को बेल मिल गई, हमारे साथ एक ऐसे शख्स भी हैं जो यहां नागपुर से आए हैं। जी आपको जब ये पता चला कि सलमान को बेल मिल गई कितनी खुशी? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, मैं उसके लिए मिलने आया हूँ सिर्फ नागपुर से स्पेशल देखने के लिए, मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ था उनको देख के कि उनको अंदर किया जाए करके, पर अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा खुश तो कल भी सरकारी अधिवक्ता एक्यूज के अधिवक्ता तथा कंप्लेनेंट को सुना गया है,
उसके पश्चात उन्होंने सुनने के पश्चात आज ये आदेश के लिए तथा बहस के लिए रखा था, जिस पर न्यायालय समय अनुसार उन्होंने सुन लिया, सभी पक्षों को सुना, सुनने के पश्चात आज आदेश के लिए लंच के बाद में रखा था। जो अभी आदेश उनके द्वारा पारित किया गया है, तो निश्चित तौर पे उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, क्योंकि जो आदेश पारित किया न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कितना मुलचक पे करने को कहा उन्होंने? वो जो अभी म्यूचुअल के उनको 25,000 के मुलचक, 50,000 की जमानत दी गई है, साथ में जो हमारी तरफ से बहस रही उनको मानते उन्होंने ये भी कंडीशन लगा दी है कि वो सलमान खान बगैर न्यायालय की अनुमति से बाहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। सर नेक्स्ट डेट कब दी है? उसमें 7 मई 2018 को उन्हें पुनः न्यायालय में, इसी न्यायालय में उपस्थित, जो अधीनस्थ न्यायालय है और अपीलांट न्यायालय है, उसमें उपस्थित होकर हाँ व्यक्तिगत रूप से उन्हें उपस्थित रहना पड़ेगा। मानते सर बिश्नोई समाज के लिए आज का दिन बड़ा थोड़ा दुखमय रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं, एक न्याय बिश्नोई समाज हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करता है और सम्मान करेगा, उसी प्रक्रिया में विश्वास रहता है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत थी, क्योंकि अभी अपील का निस्तारण नहीं हुआ है, क्योंकि अपील विचाराधीन है, अपील के अंदर ही तय होगा जो ये सजा रहा है। साथ ही साथ जो अन्य जो अभियुक्त जिन्हें बरी किया गया उनकी ओर से भी राज्य सरकार की ओर से और हमारी तैयारी की है, जिसमें हम स्टेट अपील फाइल करेंगे, तो वो भी साथ में क्लिप हो तो दोनों अपीलें साथ होगी और तब निर्णय किया। मनीष भट्टाचार्य के पास चलते हैं एक बार फिर। दो बातें जो सरकारी वकील बता रहे हैं, देखिए वहां पर कैसे जश्न मनाया जा रहा है। मनीष देखिए खुशी का माहौल देखिए, ये सलमान खान के फैंस की खुशियां हैं। फूल बरसाए गए, आतिशबाजियां की गई सड़क पर, कोर्ट के बाहर हंगामा तो नहीं कहेंगे, ये फैंस की खुशियां आप देखिए। सलमान खान के नाम, सिर्फ सलमान खान का नाम, टाइगर बाहर आ रहा है जेल से, सलमान खान के फैंस की खुशी है। जैसे ही कोर्ट रूम में फैसला आया और उसके बाद कोर्ट रूम के बाहर का आप नजारा देखिए, जमकर आतिशबाजियां हुई है, पटाखे फोड़े गए हैं, फूलों की टोकरी लाई गई थी उसको उछाला गया है। और अब हाल ये है कि जितने भी फैंस हैं वो भारी तादाद में सड़क पर आ गए हैं जश्न मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका टाइगर, उनका सलमान, उनका बजरंगी भाईजान जेल से बाहर आएगा और उसको देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए ये यहाँ से जेल पहुंचेंगे। भारी तादाद में लोग हैं, ये फैंस है, ये उनकी खुशी है और इसी बात का तो इंतजार था कि आखिरकार सलमान खान के ऊपर क्या फैसला आने वाला है। कोर्ट के बाहर लोग टटकी नजर लगा के बैठे हुए थे कि आखिरकार फैसला क्या आएगा। फैसला आया, सलमान खान को बेल मिली, सलमान खान के फैंस सड़क पर उतर आए और जमकर खुशियां मनाई जा रही है, आतिशबाजियां की गई है, फूलों की टोकरी लेकर आए और अब यहां से ये लोग जेल की तरफ रवाना होंगे, क्योंकि इनको खबर लग गई है कि अब उनका टाइगर और उनका बजरंगी भाईजान जेल से रवाना होगा, उसकी एक झलक देखने के लिए अब ये लोग जेल जा रहे हैं। जी ऐसा लगता है ये लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे बहुत खामोशी से, जब तक इनको ये ना पता चल जाए कि अच्छी खबर ही आने वाली है, और उसके बाद पूरी तैयारी थी लेकिन इन लोगों की जीत की खुशी मनाने की। देखिए बिल्कुल पूरी तैयारी थी और कह सकते हैं कि आश्वस्त भी बहुत ज्यादा था, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा था, इस बात की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सलमान खान को बेल मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ और तैयारी के बाद फिर इस फैंस को कोई रोक नहीं पाया। कोर्ट रूम के बाहर देखिए आप, भीड़ एक बार देखिए किस कदर, सलमान बजरंगी भाईजान टाइगर, जम के सलमान खान का नाम लिया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि अब हम सलमान खान का दीदार करके ही रहेंगे और यहाँ से सेंट्रल जेल की तरफ रवाना होंगे। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है लेकिन इनकी खुशियां आप देख सकते हैं, क्योंकि आतिशबाजियां जम के हुई हैं, पटाखे यहाँ पर लेकर चले आए, फूलों की टोकरी लेकर आए, कहने लगे कि सलमान खान का स्वागत, यानी जेल से जब वो बाहर निकलेंगे तो पूरा रास्ता फूलों से सजा देंगे, क्योंकि ये खुशी है और आखिरकार ये खुशी साफ तौर पे लोगों के सामने दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल यहाँ से अब सेंट्रल जेल की तरफ ये तमाम जो फैन है वो रवाना हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि सलमान खान जब बाहर आएंगे तो इन फैंस को काबू में करने के लिए भी पुलिस को कुछ खास बंदोबस्त करने पड़ेंगे। मनीष अभी हम बात कर रहे थे जितेंद्र से, वो सेंट्रल जेल के बाहर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें। देखिए बिल्कुल पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा, पूरी मशक्कत उठानी पड़ेगी और ये वजह से तैयारी भी पूरी हो चुकी है। आप देखिए भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैंस की खुशी है उसके बीच पुलिस नहीं आ रही है। पुलिस ने कहा कि कानून हाथ में ना ले लेकिन खुशी मना सकते हैं और खुशियां मनाते हुए यहां से ये तमाम जो लोग हैं वो सेंट्रल जेल की तरफ जा रहे हैं। वहां सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अब इंतजार है कि उनका बजरंगी भाई, उनका टाइगर जेल से बाहर आए, उसकी एक झलक देखना चाहते हैं।